मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भी होगी, मिलना
खबर को बता दे, कोई ने देखा है कि नहीं देखा है, एक काम किया किसी ने, अगर उन लोगों की छत पर एक पत्थर भी लगा हो तो मैं चैलेंज करता हूं, एक पत्थर नहीं लगा है उनका। अगर नहीं लगा रामचंद्र प्रधान जी को, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, मोदी और योगी ने टिकट दिया, स्वतंत्र देव सिंह ने दिया है, सुनील बंसल ने दिया है, तो जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए? अगर जीतना तो बोलो भैया, जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए? अगर जीतना चाहिए एक बार जरा खड़े हो जाओ सब लोग, बजरंग बली की मूर्ति बनाकर ऐसी शपथ लेना, मुझे भी लगे कि मुझे भी शपथ रहो, खड़े हो जाओ ऐसे। ये पंजाब अधिकार, ये भारत को 70 साल की चक्कर दिया है भैया, अगर खड़ा होगा ऐसे मूर्ति बना भैया, हाथ से कौन हाथ से लेना ऐसे? और छोड़ कारोबार होनी चाहिए। 5-40 साल से योगी जी को पता चल गया कि मिया रंग के प्रधानमंत्री बीबीसी ने सभा सबसे अख्तियार लेंगे, सब ये शपथ लेनी है। जब दो बार सीखा भी भैया, हाथ उठा रहा बोल रहे हो, अरे भैया अत्यंत दो बार संतान
तो
तो साइकिल हम छोड़ के जाना पड़ता बस से, तो दूसरे से कोई आया था इसे साइकिल पर जाते, ये आदत नहीं आना। लेकिन जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब से आपने ममता जी को जिताया होगा तब से कुछ परिवर्तन और आगे आने वाले समय में 2-5 साल की और भी आया आपने, आप इनके साथ हम भी खड़े हैं, एक दूसरे के साथ होता है, इनका एक पद बनकर साथ में काम करेंगे भाई विजय भाई बैठे इनके साथ। स्वामी वाले बैठक कर रहे थे कि वो प्रभारी के मन ये सुना है कि आपको बता दे रहे हो और हमको आगाह भी कर रहे हैं, ये आगाह भी कर रहे थे कि जिसकी जितनी भागीदारी होती है उसकी हिस्सेदारी। तो मैं जानता हूँ कि भाइयों कि ये उन्नाव के लोग निश्चित तौर पर इनकी भागीदारी की जाने में ज्यादा होने वाली है और इनकी हिस्सेदारी में होने वाली है, इसलिए उसको आप सबसे क्योंकि मैं सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता था, वो बात मैंने पहले शुरू कर दी, मैंने सोचा कि आप पहले माफी मांगेगा क्योंकि आप सब बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, राय जी और आर एफ एस जी प्रभारी जी के लोगों में बैठे थे बैठे मिली हैं, राय जी पहले तो मेरे यहाँ भी थे तो आप फिर देर से पहुँच रहा था, कहीं मेरी मैं क्षमा चाहता हूँ और इस क्षमा के साथ साथ आपसे ये विनती करता हूँ कि मैं आने वाले 9 तारीख को जो चुनाव होगा मतदान का समय 8 बजे से 4 बजे तक है, तो 4 बजे से मतदान बंद करना है, तो पहले 8 बजे से शुरू होकर के पहले 11 बजे तक भी मतदान पूरा का पूरा समाप्त कर देना और विरोधी के पक्ष करकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर देना बहुत बहुत धन्यवाद जरूरी है। हमारे जी के जो प्रधान एक प्रकार के दस बराबर रहे हैं उनका हमारे प्रत्याशी नाम का चुनाव हुआ, हम लोग के आगे गौरव होगा, मैं सबके नाम लिख रहा हूँ कि आप जो प्रधान एक प्रकार आवाज आए हैं क्या उनके प्रतिनिधि रूप में कोई मौजूद है, उन्हें आगे आए उनको चुनाव के स्वागत करेंगे। श्री थाना क्षेत्र राम राम रानी जी जो सुभाष कुमार जी गोविंद यादव जी हिम्मत कुमार जी संतोष कुमार जी मणिपुर पहुंचे जयमान जी गोविंद जी महेंद्र जी मणिपुर से हरियाणा जी जो प्रधान या देश के अध्यक्ष या सभापति के नाम में उनके प्रतिनिधियों को यहाँ पर आए हैं, इसलिए उनको माना प्रधान लोग के प्रतिनिधि हैं, इन मामले में भूमिका देवी आगे
स्वागत होगा आगे अन्य लोगों मिलने लगे आदमी में मिर्जा बच्चा के लिए चक्रवा जी शेखा जी माया जी उषा देवी शेखी राय जी महापति जी सरोजा जी गोपा जी मधुर पाठक कुमार जी गोपी जी देवी जी मनी देवी जी कुमार जी मनी कुमार जी मनी देवी जी श्रिया जी महाराज श्री राज
रांडी तो बैठे रहिए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव भी सरगर्मी चल रही है और प्रत्याशी लगातार फिर पटरी भी जा रहे हैं और समर्थन की मांग कर रहे हैं। इसी खड़ी में हम खड़े हैं उन्नाव के मियागंज में जहां पर हमारे साथ मौजूद है भाजपा पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी रामदेव प्रधान जी। जानते हैं किस माध्यम से जनता भी जा रहे हैं और क्या उनकी जरूरतें हैं और किस तरह से समर्थन की मांग कर रहे हैं। रामदेव जी बहुत बड़ा चुनाव है, निश्चित रूप से चरण में आप जाने वाले हैं और क्या मानते हैं किस तरह से समर्थन जनता का मिल रहा है? देखिए पूरी तरह से जितना ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, चेयरमैन, डीडीसी जो भी इसके प्रतिनिधि हैं, क्योंकि ये प्रतिनिधियों का चुनाव है और ये हमारे प्रतिनिधि लोग, आज तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अपील किया है और पूरी तरह से वो एक उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दिखाने काम कर रहे हैं। और इस लखनऊ उन्नाव की सीट पर तो मेरा जानना, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है उस सबसे ज़्यादा अंतर से जीतने वाली सीट लखनऊ उन्नाव की। पिछड़ा वर्ग के महामंत्री भी हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है आज विधानसभा चुनाव में, क्या मानते किस तरह की जिम्मेदारी आपको निभाएगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसको हम लोगों ने बखूबी निभाने का प्रयास किया है, काम किया है और आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको काम करते रहेंगे। आप लगातार लोगों भी जा रहे हैं, जनपद से बात कर रहे हैं, ऐसी कौन कौन समस्या है जो अभी यहाँ पर उपचार होना बाकी, जो कि जो पुराने एमएलसी उनके द्वारा नहीं किया गया और आप अगर जीत कर आएंगे तो इसी से कार्य करते नजर आएंगे? देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि पुराने एमएलसी के बारे में हम आपको क्या बताएं, ये तो यहाँ के लोग बताएंगे, प्रतिनिधि बताएंगे। पूरे 6 साल में 6 बार भी शायद एक बार भी, 6 बार तो छोड़ो, एक बार भी किसी ने शक्ल भी नहीं देखी। और पूरे मैं उन्नाव में इधर कई दिनों से मैं लगातार लोगों से मिल रहा हूँ, इसलिए जगह जगह हर ब्लॉक पे जाने का मौका मिल रहा है। मैंने उनका कहीं पर एक छोटा सा भी पत्थर नहीं देखा जहाँ पर उन्होंने कोई अपनी निधि से 10-30 हज़ार रुपये भी खर्च किया, ऐसा मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा। और यहाँ के लोग तो ये कह रहे हैं, प्रतिनिधि कह रहे हैं कि चूँकि रहने वाले भी शायद ये इसी जिले के हैं, लेकिन उन यहाँ के लोगों ने कभी उन्हें देखा नहीं। सर समस्याओं की बात करो, समस्या कौन कौन सी है अभी हल तक की गई है और आप जीत के जनता आपको मौका देगी, फिर प्रतिनिधि आपको मौका देते हैं तो फिर भी उसको पूरे करते नजर आएंगे? देखिए मैं आपको बताऊँ, मेरी क्षेत्र की समस्या की विषय नहीं है, विषय ये है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और उनका निरंतर ये प्रयास चला है कि इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, और उसमें हम सब उनके सहयोगी बनेंगे
और मैं जानता हूं कि वो कोई कसर छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे वो विकास का हो, चाहे वो गरीबों के हक में कोई फैसला लेने का हो, चाहे वो गरीबों के हक में कमज़ोर तबके के नौजवानों के, किसानों के, व्यापारियों के हक में कोई कानून बनाने का विषय हो, वो सब में हमारे मुख्यमंत्री जी का अच्छी बड़ी सोच है, उत्तम प्रदेश बनाने की सोच है। उसमें हम लोग जो भी सरकारी योजनाएं होंगी उन सरकारी योजनाओं को हम लोग होगी उसको आगे बढ़ाएंगे, काम करेंगे। हमारे 6 विधायक हैं, सांसद हैं, विधानसभा चुनाव पूरी तरह से भाजपा गठबंधन सपा गठबंधन के बीच हुआ, और अभी दिख रहा है ये चुनाव भी जो अगर लखनऊ उन्ना परिषद की बात करें तो सपा प्रत्याशी और आपके बीच है, क्या मानते हैं किस तरह की टक्कर वहाँ से मिल रही है? मैं आपको बताऊं कि आप अभी देखेंगे घूम करके जब आपको पता लगेगा यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, और कंपटीशन है तो हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों में आपस में कंपटीशन है। मियाँगंज के लोग और बगल के बांगरमऊ और अन्य हमारे आपस में इनका सब कंपटीशन है। लखनऊ और उन्नाव के बीच में लोगों का कंपटीशन है, भारतीय जनता पार्टी के आपस में लोगों का कंपटीशन है कि उन्नाव से ज़्यादा वोट से हम वोट दे दिला लेंगे या लखनऊ से ज़्यादा वोट दिला। तो मीडिया के माध्यम से यहाँ के जो क्षेत्रीय लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम से आगे बढ़ रही है, इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री जी बनाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी को, इसमें हम सहयोग करें, और उस सहयोग के रूप में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैं बन के आया हूँ। सारे प्रतिनिधियों से ये निवेदन है कि प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, इस जिले को आगे बढ़ाने के लिए, इसका विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएं। बहुत बहुत देखिए हमारे साथ MLC प्रत्याशी जो कि लखनऊ उन्नाव परिषद से है भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी, इनका कहना है रामदेव प्रधान जी का कि जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है और क्षेत्रीय सदस्य जो क्षेत्रीय पंचायत सदस्य हो गए, चाहे प्रधान हो गए, चाहे सभासद हो गए, उनका लगातार समर्थन मिल रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में उनको एक बेहतर तेजस्वी मुख्यमंत्री मिला है जो लगातार विकास की धारा बढ़ा रहा है, और निश्चित रूप से आने वाले जो विधान परिषद चुनाव है उसे भारतीय जनता पार्टी अपना प्रथम लहराएगी। क्या प्रथम सुबह के साथ गौरव से रखता हूँ प्राइम टीवी लखनऊ। हमारे संवाददाता मौजूद थे, जैसे हम आपको दिखा रहे थे रामचंद्र प्रधान जो कि भाजपा के MLC उम्मीदवार हैं, जनता के बीच पहुंचे और अपनी जो दावे हैं, वादे हैं वो जनता तक पहुंचा रहे थे, और मौजूदा वक्त में जो सुनील सिंह साजन है सपा से MLC है तो उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।